नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्लिसरीन के फायदे। जी हाँ, आज मैं आपको ग्लिसरीन के फायदे बताने जा रही हूँ कि ग्लिसरीन कैसे हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, नरिश करती है, और कैसे आपने इसे यूज करना है, किस किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, यही सब बातें मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज बाकी की मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को भी चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर 1000 प्लस वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हो स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, बहुत सारे मेकअप लुक्स, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू, मेरा मेकअप कलेक्शन भी आप देख पाएंगे, और हिना से रिलेटेड वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। और प्लीज वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना। दोस्तों, मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस बेल बटन को हिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको मिल जाएगी, ये है ग्लिसरीन। और आप देख सकते हो इतना मैं इसे यूज कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। और इसकी हेल्प से दोस्तों मैंने मेकअप लुक भी शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पर, उनका लिंक आपको आई बटन पर मैं दे दूंगी, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये आपको सभी साइज में मिल जाएगी, छोटे बड़े साइज में भी मिल जाएगी और मीडियम साइज में भी आपको ये मिल जाएगी। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से भी परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी। वैसे इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, आप ये कह सकते हो सिर्फ ये मुझे बॉटल मिली है 70 रुपीज में। वैसे 72 रुपीज है इसका प्राइस, लेकिन मुझे 70 रुपीज में मिली है। और सिर्फ 70 रुपीज में आपको इतनी अच्छी बेहतरीन चीज मिल रही है, जिसे आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो, बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप इसे लगा सकते हैं, और ये बॉडी लोशन का भी काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि अभी विंटर्स चल रही है, या फिर जिनकी ड्राई स्किन ना समर में भी रहती है, यानी गर्मियों के मौसम में भी जिनकी ड्राई स्किन रहती है, सुपर डुपर ड्राई स्किन होती है, वो भी ग्लिसरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज करना चाहिए। उनके लिए तो ये और भी ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये आप कह सकते हो। एक ऐसी जादुई चीज है ना, जो आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा देती है, साथ ही आपकी स्किन पर अगर पपड़ी जम जाती है या काली परत जम गई है मैल की, तो उसे भी ये रिमूव करती है, अच्छे से क्लीन करती है, साफ करती है आपकी त्वचा को। आपके बाल अगर फ्रीजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, तो ऐसे में आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में ना ड्राई स्किन की प्रॉब्लम बालों में भी हो जाती है। जी हाँ, आपकी खोपड़ी यानी कि सिर की जो त्वचा होती है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे में आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी हेयर पैक या हेयर मास्क लगाते हैं ना, तो उसमें आप एक चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए। इस हेयर मास्क से ना आपके बाल ड्राई नहीं होंगे और आपके बालों को ये नरिश भी करेगी, स्मूथ करेगी, और आपकी फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम को भी ये दूर करेगी। तो ये इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज है, आप इसे बालों में भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आप कोई भी हेयर पैक या हेयर मास्क लगा रहे हैं तो आप उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो अपने शैम्पू में इसे एक चम्मच मिक्स कर भी लगा सकते हैं। सेकंड जो दोस्तों इसका यूज है, मैं आपको बता दूं फेस के लिए। जी हाँ, आपकी त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा एक ये जादू ही एक ऐसी इंग्रेडिएंट है ना, जो आपकी स्किन में इंस्टेंटली रिजल्ट देती है। आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा। आपने लगाना कैसे है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लिंजर की। जी हाँ, आप इसे क्लिंजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आपने लेना है एक चम्मच कच्चा दूध और एक चम्मच आपने लेनी है ग्लिसरीन। इसे अच्छे से मिक्स करके लगा लीजिए अपने फेस पर। आप इसे चाहें तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो, या फिर आप कॉटन बॉल्स की हेल्प से अपने फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक लगा रहने दीजिए, उसके बाद अच्छे से इसे ऐसे इस तरीके से क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन पर जितनी भी गंदगी, मैल जमा होती है, पोल्यूशन जमा होता है, इम्प्योरिटीज होती है, डर्ट होती है, उसे अच्छे से ये क्लीन करने में हेल्प करती है। तो आप इसे क्लींजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्रब की। जी हाँ, आप इसे स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपने लेना है एक चम्मच ग्लिसरीन और इसमें पीसी चीनी ले लीजिए एक चम्मच। अगर पीसी चीनी नहीं है तो आप मिक्सी में यानी कि ग्राइंड कर लीजिए चीनी को, और घर पर ही आप इसका शुगर पाउडर बना सकते हो। उसमें एक चम्मच आपने शुगर लेनी है और एक चम्मच आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो हो गया आपका स्क्रब तैयार। और इसे आपने 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर स्क्रब करना है अच्छे से। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी की हेल्प से या फिर गुनगुने पानी की हेल्प से। और आपने इसके बाद कोई भी फेस वॉश या सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस स्क्रब को आप वीक में 2 बार भी लगा सकते हो। इससे आपकी स्किन पर जितनी भी गंदगी जमा होगी वो भी निकल जाएगी, साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, और साथ ही आपके ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करती है। अब बात कर लेते हैं फेस पैक की। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका मन पसंदीदा फेस पैक, आपका फेवरेट फेस पैक है ना, जो आप सर्दियों में लगाना पसंद करते हैं, लाइक अगर आप बेसन का फेस पैक लगाते हैं, एलोवेरा जेल का फेस पैक लगाते हैं, कुछ भी अगर आप फेस पैक लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाते हैं, तो आप अपने फेस पैक में या फेस मास्क में
इसकी एक चम्मच ऐड करके देखिएगा दोस्तों, आपको जादू ही रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन को नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में भी हेल्प करती है। दोस्तों जो ग्लिसरीन होती है ना, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, नरिशमेंट देती है आपकी स्किन में, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। अक्सर सर्दियों में ना आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होने लग जाती है त्वचा, तो ऐसे में ये इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा देती है। आप इसे लगा लीजिए, आपकी स्किन में ये मॉइस्चर को लॉक करती है और लंबे समय तक आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती है, मॉइस्चराइज रखती है, और साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स को, पिंपल्स की प्रॉब्लम को, पिंपल्स के अगर डार्क स्पॉट हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, काले या ब्राउन स्पॉट हो गए हैं, यानी कि ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट हो गए हैं, तो उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करती है दोस्तों। और आपकी एजिंग साइंस को भी ये स्लो करती है, आपकी ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करने में हेल्प करती है दोस्तों। ग्लिसरीन की बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है और मैं इसे बचपन से यूज करती आ रही हूँ। जी हाँ, मेरी मम्मी मुझे इसे बचपन से लगाते आ रहे हैं, हम भाई बहनों को मतलब पकड़ पकड़ कर लगाते थे। उस टाइम पे इसके बेनिफिट्स हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो उसके बेनिफिट्स हमें पता लगने लगे, तब मैं भी इसे अपने बच्चों को भी लगाती हूँ, रेगुलर इसे यूज करती हूँ। जी हाँ, मिस्ट्री और अरमान को भी मैं यही लगाती हूँ। मैंने एक लोशन बनाकर रखा हुआ है, वो लोशन कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये लोशन आपने कैसे तैयार करना है। इसके लिए आपको चाहिए लेमन, ये काफी बड़ा लेमन था तो मैंने हाफ ही लिया है, वैसे आप एक छोटा लेमन ले लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए इसमें ग्लिसरीन, और इसके बाद इसमें हम लेंगे गुलाब जल। तो बस ये तीनों ही इंग्रेडिएंट हमें चाहिए और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। और नींबू तो आप जानते ही हैं, किचन में हम सभी यूज़ करते ही हैं अभी, तो अब मैं यहाँ पर इसमें लेमन अच्छे से इसमें डाल लूँगी, अच्छे से इसे स्क्वीज कर लूँगी इस तरीके से। और अब मैं इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करूंगी, लगभग एक चम्मच ही मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें दो चम्मच रोज वाटर ऐड करूंगी, आप दो से तीन चम्मच भी ले सकते हैं रोज वाटर, अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यस, इसमें मैं दो चम्मच लगभग रोज वाटर ऐड कर लूंगी। इसकी क्वांटिटी दोस्तों आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसे स्प्रे बॉटल में भी डालकर रख सकते हो, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो बस ये हमारा लोशन जो है तैयार है, और आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर कहीं भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये लोशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला है, इस लोशन के बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, ड्राई स्किन बिल्कुल नहीं करेगा, आपके दाग धब्बे भी दूर करेगा। आप इसे अपने फेस पर भी लगा सकते हैं और आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, फटी एड़ियों पर लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो चलिए मैं इसे एक बोतल में डाल लेती हूँ। दोस्तों इस लोशन को आप अपनी पूरी बॉडी पर कहीं भी लगा सकते हैं। जी हाँ, फेस पर भी लगा सकते हैं और अपने हाथों और पैरों पर भी आप इसे लगा सकते हो, फटी एड़ियों पर लगा सकते हो। रात को आप फटी एड़ियों पर इसे लगाकर सो जाइए। आपकी अगर क्रैकल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, मतलब उनमें से खून आने लग गए हैं, एड़ियां बहुत बुरे तरीके से फट गई हैं, ऐसे में आप इस लोशन को लगाकर देखिए दोस्तों, दो तीन दिन में ही आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट नजर आएंगे। और ये स्किन में ना शाइन भी देती है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ, एक मिनट, मैंने अभी हाथों पर कुछ नहीं लगाया हुआ है, मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। सिर्फ इतना लिया है मैंने, देख लो, और बस इस तरीके से आप इसे लगा लीजिए, इंस्टेंटली रिजल्ट देती है, एकदम से आपकी स्किन को इतना मॉइस्चराइज कर देगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ये देखिए, मतलब खुद भी पता चल जाएगा, ये देखिए कितनी अच्छी शाइन भी दी है। ये देखिए, ये मैंने बॉडी लोशन घर पर बनाकर रखा हुआ है, अगर आपके पास कोई और लोशन नहीं है ना तो आप इस लोशन को भी लगा सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छे से शाइन भी दी है इसने, आप देख सकते हो, ये देखिए। और बहुत ही हाथों को ना अच्छे से, मतलब इतना सॉफ्ट स्मूथ बना देती है, बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे त्वचा होती है ना मखमल सी, ऐसी त्वचा हो जाती है। ये देखो तो मुझे तो ये लोशन बहुत ज्यादा पसंद है। आप इसे नाइट में भी लगाकर सो सकते हो, क्योंकि नींबू मैंने इसमें ऐड किया है, नींबू आपके दाग धब्बों को भी दूर करता है। आपके फेस पर अगर ब्राउन स्पॉट हो गए हैं, ब्लैक स्पॉट हो गए हैं, तो आप इस लोशन को फेस पर भी लगा सकते हो। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके दाग धब्बे, आपकी ब्लेमिशेस, आपकी पिगमेंटेशन सब रिमूव हो गई अच्छे से। और एक तरीके से आप इसे लगा सकते हो दोस्तों पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस में, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों अगर आपको झुर्रियों की प्रॉब्लम हो गई है या फिर ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई आपकी स्किन में, तो आपने इसे कैसे लगाना है, एक चम्मच शहद ले लीजिए और एक चम्मच आपने ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपने फेस पर आप कॉटन बॉल की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से इसे लगाकर 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। जी हाँ, इससे आपकी जितनी भी फेस पर पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, वो भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगी। अब बारी आती है लिप्स की। जी हाँ, आप इसे अपने लिप्स पर भी लगा सकते हैं। आपने करना क्या है, ऑलिव ऑयल ले लीजिए या फिर नारियल का तेल ले लीजिए या फिर आप ले सकते हैं बादाम का तेल।
थोड़ी सी बादाम तेल की बूंदे ले लीजिए, एक से दो ड्रॉप, और थोड़ी सी इसमें एक से दो ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए। मिक्स कर अपने लिप्स पर लगा लीजिए। रात को आप लगाकर सो जाइए, आपको आपके होंठ अगले दिन आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ नजर आएंगे, मुलायम नजर आएंगे, फटे नहीं नजर आएंगे, और साथ ही ये हल्का गुलाबीपन भी आपकी होंठों में देती है। तो ये होंठों पर भी आप इसे लगा सकते हो। और दोस्तों, अगर आपकी स्किन पर पपड़ी जम गई है और इस तरीके से कुछ आपकी स्किन नजर आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, अगर आपको स्किन ऐसी नजर आती है आपकी, अगर आपकी स्किन इतनी ज्यादा फटी फटी सी नजर आती है, हर थोड़ी देर में आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन इक्वल क्वांटिटी में लेकर मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से अपने फेस पर लगाकर नाइट में आप सो सकते हो, नाइट क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी एक तरह से। आप इसे चाहे तो डे टाइम में भी लगा सकते हो, दिन में कभी भी लगा सकते हो, और या फिर आप इसे रात को लगाकर सो जाइए। अगले दिन आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ नजर आएगी, आपको मुलायम नजर आएगी, आपकी स्किन पर पपड़ी सी ये जमी नजर नहीं आएगी, आपकी स्किन एकदम आपको क्लीन नजर आएगी। जी हाँ, ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही एक जादू ही ये कह सकते हो आप, अमृत समान है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो इंस्टेंटली रिजल्ट देती है, एकदम से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही अच्छे से ये मॉइस्चर को आपकी स्किन में लॉक कर देगी और आपको बार बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा हो दोस्तों प्लीज मैसेज कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो। इतनी मेहनत से ठंड में बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं, तो प्लीज लाइक कर दिया करो दोस्तों। आई एम श्योर आपके लिए ये सभी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे दोस्तों। अगर आपको पसंद आए ना, तो आप एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा, आपको खुद ही रिजल्ट नजर आएंगे इसके। और मैं इसकी हेल्प से मेकअप भी करती हूं, इतनी इजिली फाउंडेशन को ब्लेंड कर देती है ना, एक से दो ड्रॉप अगर आप अपने फाउंडेशन में मिक्स कर अपने फेस पर लगाते हैं, इतनी जल्दी मतलब अच्छे से बहुत इजिली तरीके से आपके फाउंडेशन को ब्लेंड कर देती है। मैंने इससे मेकअप लुक भी शेयर किया है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है ग्लिसरीन से मेकअप कर। और ड्राई स्किन वाले भी अगर इस तरीके से मेकअप करते हैं जैसा कि मैंने वीडियो में बताया ना, बहुत अच्छा रहेगा मेकअप, लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है मेकअप आपका, अच्छे से लॉक हो जाएगा आपकी स्किन में। तो एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा दोस्तों, आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे इसके रिजल्ट, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे देखकर। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। पता नहीं आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सच में। और दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स अकाटक पर भी, मैं आपसे मिलती हूँ और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।